My dear students, today we will discuss the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is based on the principle that heat cannot be created, not be destroyed. It converted into one form to another form. First law of thermodynamics state that if dKo amount of heat is given to a system, then a part of this... Um, heat is used converted into work and remaining part may be retained by the system as the increase in internal energy. So mathematically we can write that from the first law of thermodynamics ki if dq amount of heat is given, then dq will be equal to dq. ज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू की जो डी क्यू हीट हमने सिस्टम को दी है थर्मल सिस्टम को वो किस फॉर्म में यूज होगी उसने पार्शली वर्कडन में यूज होगी और पार्शली उसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया डी यू क्या है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मल सिस्टम और डेल डब्ल्यू वर्कड ऑन द सिस्टम तो डी के हीट सिस्टम को दी गई है तो ये क्या होगी पॉजिटिव होगी इसका साइन कन्वेंशन और सिस्टम के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो डी यू क्या होगा पॉजिटिव डन बाय द सिस्टम है तो डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा डी क्यू डी यू और डेल डब्ल्यू एक होता है स्टेट फंक्शन एक होता है पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन क्या है अब जो हमारी इंटरनल uh, एनर्जी है डी यू या सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है यू वो क्या है वो एक स्टेट फंक्शन है और जो हीट गिवन टू द सिस्टम है और वर्क डन जो है वो क्या है वो पाथ फंक्शन तो ये डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे कि स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है स्टेट फंक्शन इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन की जो थर्मल सिस्टम है उसकी इनिशियल पोजिशन ये है तो उसकी वैल्यू uh, ये होगी और फाइनल पोजिशन अगर ये है तो ये होगी वो फाइनल पोजीशन उसने कैसे अप्रोच की है वो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि उसने फाइनल पोजीशन अप्रोच करने के लिए क्या पाथ फॉलो किया है और जो पाथ फंक्शन है वो क्या है डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन गेट करने के लिए उसने क्या पाथ फॉलो किया है जो उस पर डिपेंड करेगा वो है पाथ फंक्शन तो यहाँ हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है वो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है और जो हमारा हीट और डन है वो क्या है पाथ फंक्शन वो क्या वो डिपेंड करता है कि उसने फाइनल पोजीशन को अचीव करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है इस चीज़ को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन हम किसी गैस सिस्टम के किसी थर्मल सिस्टम का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बिहेवियर स्टडी करें कि ये प्रेशर है एक्सीज और ये ये प्रेशर एक्सीज है और ये वॉल्यूम एक्सीज है इनिशियल था ये पोजीशन थी कि इतना प्रेशर था और ये सिस्टम का वॉल्यूम था और फाइनल पोजीशन क्या होगी कि बी होगी ये वॉल्यूम है इतना प्रेशर है और एक मैं, बी पोजीशन को अप्रोच करने के लिए ये पाथ फॉलो किया एक ये पाथ फॉलो किया एक ये किया और ये किया